बहुत रिस्पेक्ट है अनुष्का दे हैव ये सारी इंडस्ट्रीज में हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा है हर जगह आपको दिख रहा है मोस्ट ऑफ़ टाइम लड़कियों का जो बॉडी इमेज को ना ऐसे स्ट्रेच करो उसको करो Society के बारे में तो वहाँ एक तरह से sex तरह है, तो उसके शादी एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑर्गेनिकली है पार्वती एक क्वेश्चन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जैसे हम लोग हैं हिंदी फिल्में देखते हैं या जो लोग टी वी सबसे ज़्यादा फिल्में देखते हैं मैक्स साह जी सिनेमा है इन सब पे uh, जो डब्ड वाली फिल्में आती हैं लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं साउथ इंडस्ट्री फिल्म साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कही यह है कि स्क्रिप्ट uh, बहुत अच्छी होती है एक्जीक्यूशन बहुत अच्छा होता है रिसेंटली बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट थी उन्होंने बोला कि वहाँ पे ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है बोला जाता है वजन बढ़ाओ या सेक्शुअल दिखो वो वाली चीज़ तो उस पर हंसिका मोटवानी का रिप्लाई आया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है आप गलत बोल

मोस्ट ऑफ़ द टाइम लड़कियों का जो बॉडी इमेज को ना ऐसे ही स्ट्रेच करो उसको कंट्रैक्ट करो ऐसे उनका एक इंडिविजुअलिटी एक और उनको एक आ, एक औरत के तरीके से नहीं एक इंसान के तरीके से देखना थोड़ा कम हो जाता है पता नहीं क्यों लेकिन मे आई कैन ओनली स्पीक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैंने तेलुगु तमिल में ऐसी फिल्में नहीं की हैं जहाँ पे मुझे ग्लैमरस रोल्स करनी पड़ी हैं। मैं मैंने पहली एक कन्नडा फिल्म किया है जहाँ मुझे स्विट्ज़रलैंड में जाके वो साड़ी फैला के डांसिंग करनी थी Uh, मैंने uh, तब एक एक्सपीरियंस था मैं एटीन ईयर्स ओल्ड की थी तब तभी मैंने डिसाइड किया था मुझे ये करके मुझे इन्जॉयमेंट नहीं मिल रही है बिल्कुल तो Sorry, तब से पहले नहीं फैल रही थी बहुत माइनस टू डिग्री भी था हीरो <laughs> को मिला जैकेट और तीन चार जैकेट एंड ऑल मुझे मिला शिफॉन शिपॉन्सारी तो मैंने सोचा नहीं बॉस अभी ये नहीं कर पाऊंगी मैं कितना भी पैसा दो मुझे तो मैंने uh, उस उस एरिया में मैंने uh, कोई एक्सप्लोरेशन की नहीं है वैसे फिल्मों में तो लेकिन मुझे बहुत रिस्पेक्ट है अनुष्का एंड नाइनता एंड तमन्ना और हंसिका मोटवानी जो करती है वो बहुत सुंदर दिखती है वो बहुत अच्छी तरह से डांस करती हैं वो इन्जॉय करती हैं अपना जो एरिया है उनका काम है दे हैव रियली कमांडेड रिस्पेक्ट देर लेकिन ऑब्जेक्टिफिकेशन ज़रूर होता है uh, ये मैंने uh, मैंने अपना वजन बढ़ाया है और घटाया भी है कैरेक्टर के हिसाब से के Uh, उस में मुझे अच्छा लगता है मैं अपने लिए उतना कुछ करती नहीं हूँ मैं हेल्दी भी रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है लेकिन अगर एक कैरेक्टर के लिए कुछ करना होता है तो मैं मुझे इंटरेस्ट आ जाता है तो बट uh, उसी में भी मुझे ऑब्जेक्टिफिकेशन uh, आ जाती है और वो बहुत माइन्यूट uh, कंडीशनिंग uh, होता है हमारी इंडस्ट्री mm -hmm. में जो uh, लोग होते हैं डायरेक्टर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी वो जान पहचान नहीं होती है कि वो ऐसा ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हैं कहते वक्त कि आप थोड़ा वो स्लीवलेस पहनना पड़ेगा आपको तो मे बी आपका आर्म्स का थोड़ा ये जो फ्लैप भी थोड़ा टोन डाउन हो जाए तो मैं आप क्वेश्चन पूछती थी लेकिन उससे और कैरेक्टर से क्या रिश्ता है ये वेट लिफ्टिंग तो करती नहीं है एथलीट तो है नहीं तो तो मुझे एक रीज़न बताइए तो मैं करूँगी पुशअप्स करके आऊँगी मैं एट किलो वेट्स लेके आऊँगी ऐसे हीरोज करते हैं मैंने देखा है शॉर्ट से पहले वो ऑयल लगाते हैं ये करते हैं तो आ, मैं बस वही एक लॉजिकल आंसर मुझे दीजिए मैं काम करूँगी उसके हिसाब से तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है लेकिन अपने ऊपर रहता है वो कैसे डील करना है। पर इस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी दुनिया में ही ये खूबसूरत खूबसूरती की जो हुकूमत है उसको पहले आप उसको क्वेश्चन कीजिए ना कि यू नो सुंदरता नहीं तो हमारी मेकअप इंडस्ट्री फैशन इंडस्ट्री इतनी बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज नहीं होती अगर सुंदरता मतलब वाज नॉट कंसीडर्ड टू बी सो इम्पोर्ट हाँ बिल्कुल मेरी एक डायलॉग राइटर फ्रेंड है वो कहती है कि दुनिया के सारे कॉम्प्लीमेंट एक तरफ एंड यू लॉस्ट वेट इट दिस इज द थिंग कि वेट लूज करना इज ग्रेट अचीवमेंट ऑल्सो ये ऐसी बात है मैंने कहीं पढ़ा पढ़ा है रिसेंटली कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं अभी वो हो फेयर एंड लवली टाइप्स एंड ऑल दोज इंडस्ट्रीज वो सब अभी उनका तो काम ही बंद हो जाएगा अगर हम सब इतना कॉन्फिडेंट हो जाए तो वो भी फीड करते रहते हैं अभी तो सोशल मीडिया है तो डबल हो गया हो गया है कि आपका दिखना ये गलत है आपको ऐसे ही दिखना चाहिए तो कॉन्स्टेंटली हम जब इंस्टाग्राम में स्क्रोल करते हैं फेसबुक में स्क्रोल करते हैं मेरा भी यही असर पड़ता है एक वो जो करडाशियन इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है हमें भी मेरा उतना चिक बोन्स ठीक नहीं है तो हम एंगल चेंज करते रहते हैं yeah, sure. तो अभी अभी कंडीशनिंग तो शुरू से होती है शुरू से होती है तो वो तब से हमारे घर से चेंज होना चाहिए हम हमें hmm. औरतों से ऐसे बात करते हैं हमारे लाइक माई अंकल्स एंड ऑल आई रिमेंबर कि ऐसे बात होती है uh, कि किस लाइक हाँ तो इतने इतना खा रही है इसीलिए तो वज़न बढ़ रहा है hmm. ऐसे ही कैजुअली बोल के चले जाते हैं hmm. तो हमारी घर की औरतों का वो जो स्वाभिमान रहता है उसमें बहुत चोट लगती है hmm. उनको तो घर से ही हमारे कॉन्वर्जेसन चेंज कर लें हमारे अंदर का कॉन्वर्जेसन और जो घर में जो हम कैसे ट्रीट करते हैं तब फर्स्ट स्कूल बी गो टू नो तो वहीं से चेंज करो तो आई थिंक दैटिक्स विल स्लोली फॉल इन टू अदर इंडस्ट्रीजो मतलब जो सारी इंडस्ट्रीज में हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा है एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन तो हर जगह आपको दिख रहा है ऑब्जेक्टिफिकेशन ना चाहे ना, वो पानी मैं आपसे भी ये जानना चाहता था जैसे आप हॉलीवुड में आपने काम किया इन्फर्नो टॉम हैंक्स के साथ है, स्पाइडर मैन मतलब वहाँ का कॉमर्शियल या जो भी उसको यहाँ वाले जिस निगाह से देखते हैं कि ये टॉम हैंक्स की मूवी है एक अच्छा स्पाइडर मैन है, है एक कमर्शियल टाइप का वहाँ पर कितना डिस्क्रमिनेशन है या इस इस तरह की चीज़ें वहाँ पर कैसे देखने को मिलती हैं उतना उतना अंदर से मैं नहीं जानता हूँ मतलब उतना उतना अंदर से मेरा वास्ता नहीं हुआ है और मैंने उस तरह का तो देखा नहीं यू नो जिस तरह का हमारी सोसाइटी थोड़ा ज़्यादा सेक्शुअली सप्रेस्ड है तो यहाँ का तरीक़ा भी थोड़ा सा क्रूड हो जाता है और यहाँ डिस्प्रेशन भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वहाँ भी होगा लेकिन वहाँ मैं उतना यू नो मैं फिल्म करता हूँ और आ जाता हूँ इंडस्ट्री में मिंगल होने का मतलब मैंने कभी अपना ध्येय बनाया नहीं और ना मैं मैंने कभी उस तरह से मिला मैं तो ये सोसाइटी के बारे में ज़रूर बोल सकता हूँ कि हाँ वहाँ एक तरह से आ, सेक्स कमोडिटी की तरह है तो उसके अपने रिपरकशंस हैं जो कि भयावह हैं हर चीज़ मार्केट है वहाँ हमारे यहाँ सेक्सुअली सप्रेस्ड है तो उसके अपने यू नो रिएक्शंस निकलते हैं टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें